लगातार बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने की जो राजनीति है वो शुरू कर चुकी है, जिसे कहते हैं रोटेशन पॉलिसी। आज एक बार फिर से बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दिया एक साल पहले ही। जी हाँ, अभी 2022 में गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही विजय रूपाणी की छुट्टी कर दी गई। इससे पहले भी बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले, दो बार वहाँ पर बदले, उसके बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा को भी बदला गया। और इसके बाद जब बातचीत में पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, तो खुलकर सामने निकल कर आ रहा है कि बीजेपी गुजरात में कोरोना काल में काम करने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से विजय रूपाणी इसकी जो है संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दे दिए। क्योंकि विजय रूपाणी के नाम पर अब अगला इलेक्शन यानी 2022 का इलेक्शन जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि लगातार गुजरात से जो आंकड़े निकल कर आ रहे थे मौतों के कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से, इसकी वजह से गुजरात में इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाता। यही हाल था कर्नाटक में, यही हाल था उत्तराखंड में, जिसकी वजह से बीजेपी ने वहां के मुख्यमंत्री बदल दिए। अब सवाल उठकर आता है क्या केंद्र लेवल पर, यानी कि अभी तो फिलहाल राज्य सरकारों के जितने भी मुख्यमंत्री उन्हें बदला जा रहा है, क्या अब केंद्र में बैठे मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बदला जाएगा? क्योंकि केंद्र की अगर बात करें रणनीतियों को लेकर, तो देश में इस समय 70 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की संख्या है, जीडीपी सबसे नीचे है, पेट्रोल के भाव आसमान में है, महंगाई अपने चरम पर है। तो क्या इन सबका जवाबदारी नरेंद्र मोदी को लेते हुए क्या उन्हें भी बदलकर योगी आदित्यनाथ को 2023 में ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।